जहां दुनिया भर में नए साल का जश्न जारी है, तो वहीं पाकिस्तान में साल 2024 की शुरुआत लोगों के लिए अच्छी नहीं हुई है। यहां नए साल का आगमन गोलाबारी के साथ हुई। देश के कई हिस्सों में नए साल के जश्न में हवाई फायरिंग हुई, जिसमें 11 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। ये जानकारी समाचार एजेंसी ने ANI ने पाकिस्तान न्यूज चैनल ARY न्यूज के हवाले से दी है। कराची पुलिस ने देश में नए साल के जश्न के बाद हवाई फायरिंग पर रोक लगा दी है और ऐसा करने वालों पर आतंकवादी धाराओं के तहत मुकदमा करने की धमकी दी है। पुलिस के मुताबिक 5-स्टार चौरंगी में 3 लोग घायल हो गए, सीयू में 2 अन्य और लियाकताबाद और उत्तरी नजीमाबाद में 1-1 शख्स घायल हो गया। कराची पुलिस प्रमुख खादिम हुसैन रिंद ने कहा है कि नए साल की पूर्व संध्या पर हवाई गोलाबारी के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ दर्ज मामलों में हत्या के प्रयास और आतंकवादी के आरोप शामिल किए जाएंगे। इसके अलावा पुलिस कमांडर ने अधिकारियों को शराब पीने वाले ड्राइवरों को गिरफ्तार करने का आदेश दिया है। इस बीच पुलिस ने पटाखों के इस्तेमाल पर भी रोक लगा दी है। साल 2024 में हिंसा और आतंकी घटनाओं से निपटने के लिए पाकिस्तान ने क्या फैसले लिए हैं, इसकी जानकारी नहीं है। इस बात की जानकारी भी नहीं है कि पाकिस्तान ने ऐसा कोई फैसला लिया भी है या नहीं। हाल ही में ईरान ने पाकिस्तान को चेताया था कि वह अपने यहाँ आतंकवाद की घटनाओं पर लगाए। विश्व बैंक और IMF ने भी आतंकवाद की घटनाओं पर नकेल कसने की सलाह दी थी। देखते रहिए ABP लाइव।